everyone, welcome to Mathematical Treatment. MCQs second year Bahawalpur board 2019 ke hum MCQs solve kar rahe hain. Maine pehle 10 MCQs jo hain apni pichli video mein send kiye the, jinhone wo video nahi dekhi pehle wo video dekh le jisme unko pehle 10 MCQs jo hain wo usme mil jayenge aur video ka jo link hai wo description mein aap dekh sakte hain. To jin doston ne abhi join kiya hai meri unse guzarish hai ki channel ko subscribe kare और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अपडेट्स जो उनको मिलती रहे और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। तो आए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 11 सेकंड ईयर 2019 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यू नंबर 11 आया था बहावलपुर बोर्ड में, वो था स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज, हमें एक ऐसी लाइन का स्लोप बताना है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। ये चैप्टर नंबर 4 में से ये एमसीक्यू दिया गया है एनालिटिकल ज्योमेट्री में से। तो उसमें मैं आप लोगों को बताता चलूं कि किसी भी लाइन, जब भी आपको कोई लाइन इस स्टैंडर्ड शक्ल में दी हो ax plus by plus c is equal to 0, तो इस लाइन का जो स्लोप होता है, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो माइनस ए ओवर बी। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें a क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट। अब यहां जो हमें लाइन दी गई है वो है 2x - 3y + 1 = 0 और हमने ऐसी लाइन का स्लोप बताना है जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि जब इस लाइन का स्लोप मेरे पास आ जाएगा तो मैं एक थ्योरम का यूज करके उस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो यहां से अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं तो वो निकलता है इस फार्मूले से माइनस ए ओवर बी इज माइनस 2 ओवर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 जो है वो इस गिवन लाइन का स्लोप है। अब हम जानते हैं कि जब भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप्स जो है वो m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2, यानी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप में ये रिलेशन होता है। यानी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव टाइम रेसिप्रोकल। अगर आप इस लाइन के स्लोप को नेगेटिव कर दें और रेसिप्रोकल कर दें तो बाय दिस थ्योरम आपको उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा जो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन विल बी, इसको नेगेटिव करें और रेसिप्रोकल कर दें, विल बी -3/2। So -3/2 is the option number B. So option number B is correct for the MCQ number 1. So first MCQ का जो correct option है वो -3/2 है। चलें जी, next MCQ की तरफ हम move करते हैं। MCQ number 12 दिया गया है, solution of the differential equation dy/dx is equal to secant square. स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक डेरिवेटिव यूज हो किसी भी वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो आपकी 12th स्टैंडर्ड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हैं वो बिल्कुल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, उनका सॉल्यूशन जो है वो बड़ा आसानी से सामने आ जाता है बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो मैं इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी जो dy/dx जो दी हुई है हमें, इज इक्वल टू secant square of x, मैं इसका जो सॉल्यूशन निकालूंगा बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्या मतलब है कि आप y और उसका डिफरेंशियल एक तरफ कर देंगे, x का फंक्शन और उसका डिफरेंशियल जो है वो एक तरफ कर देंगे। तो ये बनेगा dy इज इक्वल टू secant square of x dx, यानी मैंने इस dy को ऊपर ले गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दें, दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई करने से आपके पास दोनों तरफ इंटीग्रेशन के इंतहाई आसान से सवाल आपके सामने आ जाएंगे। आप जानते हैं कि इसका जो डिफरेंशियल है, इंटीग्रल जो है वो क्या होगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ secant square x। आप जानते हैं कि secant square जो है वो tan का डेरिवेटिव है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल या रिवर्स कह सकते हैं आप, रिवर्स ऑफ द डेरिवेटिव। तो अगर ये हमें पता है कि ये है tan का डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, tan ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी के c। सो so, y इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस c। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था y इज इक्वल टू cot ऑफ x प्लस c, ये ठीक नहीं हुआ। y इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस c हमारे इस आंसर से मैच कर रहा है।
तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम मूव करते हैं। 13 एमसीक्यू देखें आप, इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप -5 एंड y इंटरसेप्ट इज -7। अब आपको यहां पर एक तो स्लोप गिवन है और एक y इंटरसेप्ट गिवन है। अकॉर्डिंग टू आवर गिवन डाटा हमने ये सेलेक्ट करना होता है कि हम कौन सी फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन तक पहुंचे। तो यहां हमारे पास एक तो स्लोप गिवन है यानी m की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू -5 और y इंटरसेप्ट गिवन है। y इंटरसेप्ट को हम c से डिनोट करते हैं, c इज इक्वल टू -7। जब ये दोनों चीजें हमें गिवन हो यानी स्लोप और y इंटरसेप्ट, तो हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, आप गेस करें। हाँ बिल्कुल, हम वही फॉर्म यूज करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, y इज इक्वल टू -5x -7 और इसको स्टैंडर्ड पोजीशन में लाने के लिए मैं इस तरफ लाऊं तो ये बनेगा 5x प्लस y, 7 भी इस तरफ ले आए प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो 5x प्लस y प्लस 7 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं कौन से ऑप्शन से ये मैच होता है। 5x प्लस y प्लस 7, ले जी पहला ऑप्शन ही हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो बगैर वक्त जाया किए आपने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन बाज दफा एक ही जैसे ऑप्शन दो दफा दिए जाते हैं और एक ऑप्शन जो है वो बोथ ए एंड बी या ए एंड सी करके भी दिया जाता है, इसलिए बाकी ऑप्शंस को जरूर देखा करें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 14। एमसीक्यू नंबर 14 पे हम चलते हैं। The length of the diameter of the circle x square plus y square minus 4x minus 12 is equal to 0. Chapter number 6, conic section में से ये MCQ आपको दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ उसने circle की जो है वो general form आपको दी है। Circle की general form क्या होती है? x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. मैंने आपके सामने सर्कल की जर्नल फॉर्म लिखी है। इस जर्नल फॉर्म में से सर्कल का रेडियस कैसे मालूम किया जाता है, उसके लिए फार्मूला हमें हमारे पास होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर द रूट। ये आपके पास रेडियस का फार्मूला है। तो हम पहले इस इक्वेशन में से रेडियस तक पहुंचेंगे। रेडियस तक जाने के लिए आप देख सकते हैं मुझे जी एफ और सी की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो मैं इस इक्वेशन में से पहले जी एफ और सी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। जी एफ और सी की वैल्यू आ जाने के बाद मैं रेडियस निकालूंगा और रेडियस को डबल करके मैं डायमीटर तक जो है वो पहुंच सकता हूं। तो मैं इस इक्वेशन को इससे कंपैरिजन देने लगा हूं, जरा देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने जो ब्लैंक छोड़ा है, ये ब्लैंक मैंने इसलिए छोड़ा ताकि यहां वो नंबर पुट करें जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी इससे जो है वो पैरेलल हो जाए। क्या बनेगा इसमें, यानी -2। अगर यहां पर मैं -2 एंटर करूं तो ये -4 बनता है और यहां f यानी y का कंपोनेंट ही नहीं है तो यहां पर 0 और c जो है वो ये वैल्यू है तो c की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है -12। सो g की वैल्यू हमारे पास क्या बनी -2, f की वैल्यू हमारे पास क्या बनी 0 और c की वैल्यू क्या बनी -12। By putting in this formula, R is equal to G square 4 F square, यानी के 0 plus C, minus C करना था तो minus, ये भी negative है तो plus 12 square the root, और आप जानते हैं 12 और 4 16 square root का answer हो जाएगा 4। So student radius जो है वो 4 आ रहा है, तो radius 4 आने का मतलब इसको double कर दें तो किसी भी circle का radius जो है वो यहाँ center से यहाँ तक का फासला होता है और डायमीटर होता है ये पूरी की लेंथ जो है, यानी अ कॉर्ड व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। तो ये हमारे एमसीक्यू नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है, डायमीटर जो है वो 8 बनता है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा तो स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 15 देखें। द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी ax + by less than c इज, हम जानते हैं कि कोई भी इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, इनइक्वालिटी पहले मैं आपको बता दूं ax plus by plus c is equal to 0, ये एक इक्वालिटी है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन। और अगर इस इनइक्वालिटी को हम
इस इनइक्वालिटी को हम लेस देन यानी कि इक्वालिटी को अगर हम इनइक्वालिटी में चेंज कर दें तो ये किसी हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। यानी पहले जो मैंने आपके सामने ड्रॉ की सपोज वो अगर ये लाइन है तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है या तो ये इसके लोअर हाफ प्लेन या इसके अपर हाफ प्लेन किसी हाफ प्लेन को जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। तो इनइक्वालिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट द हाफ प्लेन इफ द इनइक्वालिटी इज गिवन इन टू वेरिएबल और वन वेरिएबल इन द फर्स्ट डिग्री। अच्छा उसके बाद MCQ नंबर 16 है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो स्टूडेंट यहां पर किसी भी लाइन का किसी पॉइंट से ओरिजिन इज अ पॉइंट यू नो दैट ओरिजिन इज 0 0, तो किसी भी लाइन का किसी पॉइंट से जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा रहा है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम जो फार्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन का b is equal to ax1 plus by1 plus c mod over a square plus b square का square root। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई लाइन गिवन है ax plus by plus c is equal to 0 और आपको उस लाइन का इस पॉइंट से फासला मालूम करना हो तो आप ये फार्मूला यूज करते हैं जिसमें a b c जो है वो लाइन के कोफिशिएंट्स होते हैं और x1 y1 जो है उस पॉइंट के कंपोनेंट्स होते हैं। अब आपको लाइन दी गई है 3x plus 4y plus 5 is equal to 0 और पॉइंट है आपके पास 0 0। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 5 है, x1 भी 0 है और y1 भी 0 है। तो ये सारी वैल्यूज उठा के अगर मैं यहां पुट करूं ax1 a3 x1 0 है तो पहला पॉइंट भी 0, पहला कंपोनेंट भी 0, दूसरा भी 0 क्योंकि y1 0 है। तो खाली c बचेगा यानी कि 5 over a square plus b square yani 3 ka square 9 plus b 4 ka square 16 square root so it will be 5 over square root of 25 it will be 5 by 5 which is equal to 1। so the distance of this line from the origin is 1 so it is the option number b is correct yani MCQ number 16 mein correct option kya hai hamare paas b option is the correct yani ke वन ऑप्शन आया है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द फोकस ऑफ द पैराबोला x square is equal to 4ay is। दोबारा वो आपको चैप्टर नंबर 6 में ले गया यानी कॉनिक सेक्शन में ले गया और आपको पैराबोला की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दी है उसने। मैं आपको बता दूं कि चार स्टैंडर्ड पैराबोलास हमारी 12th स्टैंडर्ड की बुक में दी गए हैं तो ये उनमें से पैराबोला नंबर 3 है यानी जिसकी ओपनिंग जो है वो ऊपर की तरफ होती है। रफली मैं आपको ड्रा करके दिखा दूं कि ये पैराबोला कुछ इस तरह का है। यहां पर जो पॉइंट होता है ये फोकस होता है, ठीक है जी, ये फोकस, ये वर्टेक्स और यहां इसकी जो है वो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो लाई कर रही होती है। अब चूंकि ये पैराबोला इसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ है यानी अपवर्ड है तो ये पॉइंट जो है y एक्सिस पे लाई करेगा। इसका x कंपोनेंट 0 और y कंपोनेंट को हम a से डिनोट कर रहे हैं तो इसका जो फोकस बनेगा वो पैराबोला का, इस पैराबोला का वो 0a बनेगा। तो 0a इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर c इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू नंबर 17। उसके बाद देखते हैं एमसीक्यू नंबर 18 में क्या दिया गया जी। एमसीक्यू नंबर 18 में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर u अलोंग अ वेक्टर i। आपको u वेक्टर की प्रोजेक्शन अलोंग i लेनी है तो मैं आपको इसका फार्मूला बता दूं। प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग i आपके पास होगा u डॉट i ओवर i मैग्नीट्यूड। तो u डॉट i जब हम कैलकुलेट करेंगे आपको पता है कि जो वेक्टर के अंदर पैरेलल जो कंपोनेंट्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 1 बाकियों का 0 तो i का i के साथ डॉट 1 हो जाएगा, a आ जाएगा, i डॉट j भी 0 और i डॉट k भी 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय i मैग्नीट्यूड बिकॉज़ i इज अ यूनिट वेक्टर सो इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 1 सो आंसर इज a। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 18 इज a व्हिच इज द ऑप्शन नंबर b। एमसीक्यू नंबर 19 पे हम चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 19 देखें k क्रॉस i इक्वल, यहां पर दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो शो हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि तीन यूनिट वेक्टर हमारे पास i j और k हमारे पास तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं तो हम साइक्लिक ऑर्डर से देख सकते हैं i j k। इस डायरेक्शन में आप इसको चलाएंगे यानी क्या मतलब है i क्रॉस j का आंसर k होगा, j क्रॉस k का आंसर i होगा
और के क्रॉस आई का आंसर जो है वो जे बन जाएगा। इस साइक्लिक ऑर्डर से आप इसका आंसर बता सकते हैं। सो इट इज के क्रॉस आई द आंसर विल बी जे। सो जे इज आवर फर्स्ट ऑप्शन। सो एमसीक्यू नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है हमारे पास, ए। सो स्टूडेंट लास्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 20 जो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट दिस पॉइंट। आपको कोई भी कर्व दी जाए और उस पे टेंजेंट लाइन किसी भी गिवन पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना हो तो आप द डेरिवेटिव की मदद से वो स्लोप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आपको कोई भी कर्व गिवन हो आप उसका डेरिवेटिव ले लें। तो यहां हमारे पास जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x इट विल बी 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a एंड आफ्टर कैंसिलेशन dy by dx इज इक्वल टू 2a ओवर y। आप इस डेरिवेटिव के अंदर वो पॉइंट पुट करें द रिजल्ट विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। तो इसके अंदर dy by dx के अंदर जब मैं x कंपोनेंट चूंकि खत्म हो चुके हैं y की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा 2a ओवर y कंपोनेंट इसमें क्या है 2a, सो द होल विल बी कैंसिल्ड एंड द आंसर इज 1। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मैं मजीद बहुत सारे बोर्ड्स के जो है वो पेपर्स यहां पर आपके सामने सॉल्व करूंगा जो कि आपको पेपर फाइनल एग्जाम देने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए भी आपको उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। हैव अ लुक प्लीज़।